एक्शन जांच के लिए नवादा रवाना, विशेष टीम जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। रोहतास में सीएम नीतीश कुमार की नलजल योजना से बनी टंकी ध्वस्त, घटना में एक युवक की गई जान, 3 लोग हुए घायल। जमुई का दौरा करने पहुंची विधायक श्रेयसी सिंह, खेलों पर जताई चिंता, अधिकारियों से विकास कार्यों का लिया फीडबैक। औरंगाबाद में जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, झड़प में करीब 1 दर्जन लोग घायल, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी का लगा आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपका स्वागत है बात बिहार की कार्यक्रम में। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि नवादा में जहरीली शराब से हुई 14 मौतों पर सीएम नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है। नीतीश कुमार ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम को नवादा के लिए रवाना किया है, साथ ही उन्होंने टीम की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। और हर चीज पर ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारी गण हैं, हमने उनसे पूछा था, ये सब लोग जांच कर रहे हैं और यहाँ से भी कुछ लोग गए, वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है, इसलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज़ को देखेगी, एक एक चीज़ के बारे में पता लगाएगी और हर चीज़ पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब कर रही है। ये आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बेगूसराय में बीते दिन जहरीली शराब से हुए 2 लोगों की मौत के मामले में विपक्ष लगातार हमलावर है। इस सिलसिले में बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, जबकि रिपोर्ट में मौत का कारण अल्कोहल के बजाय कुछ और ही है। उन्होंने जांच रिपोर्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। जो उसको बीमारी, उल्टी, दस्त, डायरिया का जो रूप दिया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं बेगूसराय प्रशासन से और इस बिहार की सरकार से, जब दारू यहां नहीं बिक्री होता है, दारू माफिया यहां नहीं है, तब बेगूसराय की पुलिस क्यों खाक छान रही है, क्यों छापामारी हो रही है? ये जवाब है बेगूसराय जिला प्रशासन के पास, यहाँ के जिला अधिकारी के पास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास, ये जिला के जो जिला पुलिस पदाधिकारी हैं उनके पास है। आज जो उसी दिन से लगातार बकरी के अंदर जो छापामारी हो रही है, बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जहां कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सरकार के बड़े पदाधिकारी और अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि नवादा, रोहतास, बेगूसराय में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है, लेकिन सरकार इस मामले की लीपापोती करने में लगातार जुटी हुई है। नीतीश कुमार जी बताएं कि उनके अधिक माननीय मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात करते थे, कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन शराबबंदी तो दूर की बात है। जहरीली शराब कैसे बिहार में उपलब्ध हो रहा है, उससे लोगों की मौत हो रही है, और जहरीली शराब पीने से या शराब पीने से मौत होती है, ये उनके परिजन बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी बताएं कि उनके अधिकारी को पहले ही कैसे पता चल जाता है कि जहरीली शराब से नहीं मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया नहीं है, तो क्या अधिकारी लीपापोती करना चाहते हैं या अधिकारियों के पास विशेष ज्ञान है? ऐसे कौन कौन से अधिकारी नीतीश कुमार जी के? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना के निर्माण में हुई लापरवाही का सच उजागर होना शुरू हो चुका है। रोहतास जिले के नोखा प्रखंड में नल जल योजना निर्माण के कुछ ही दिन बाद पानी की टंकी ध्वस्त होकर जमीन पर गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। Oh,
सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना जो कि अक्सर चर्चाओं में बना रहता है, जिसकी वजह होती है लापरवाही। कहीं लापरवाही के चलते लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, तो कहीं पीने के पानी का इस्तेमाल नगर निगम विधानसभा की सड़कों की सफाई के लिए करता है। लेकिन इस बार तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में लापरवाही इस कदर बढ़ गई कि एक शख्स की जान तक चली गई। दरअसल मामला रोहतास जिले के रामनगर गांव का है, जहां नल जल योजना के तहत बनी टंकी में पहली बार पानी भरा जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। पूरी टंकी भर भरा कर नीचे गिर गई, जहां मौजूद एक शख्स की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि अधिकारियों की लापरवाही और योजना में धांधली किस कदर चली आ रही है, और इन्हीं अधिकारियों की लापरवाही का शिकार बना वो शख्स जिसने दम तोड़ दिया, जबकि 3 अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घुसिया पंचायत के घुसिया गाँव में रामनगर जो की ये घटना घटी नल जल के, सबसे पहले हम कहेंगे कि नल जल की जांच हो, जो कि यहाँ मृत्यु, एक मृत्यु हुआ और 3 लोग घायल हुए। कैसे हुआ? ये गांव के लोग कह रहे हैं कि पहली बार नल जल के पानी आज भरा जा रहा है, ये आज ही की घटना और आज ही की पानी और आज ही की घटना हुआ है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ही सिर्फ कागजों पर काम हुए हैं, भारी लूट और खसोट मचा है। अब तो उस योजना के तहत ही पानी की टंकी गिरने से मौत हो गई एक व्यक्ति की रोहतास में। तो ये हम लोग जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इसमें भारी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार लूट हुआ है, ये साबित हो रहा है। और इसका खामियाजा ये है कि लोगों की जाने जा रही है, इसलिए इस को लेकर के हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लगातार इस मामले को हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी उठाते रहे हैं, और हम बकसने वाले नहीं हैं सरकार को। सरकार को सरकार के भ्रष्टाचार का पोल खोलेंगे, पाई पाई का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। बहरहाल एक तरफ जहां दिनों दिन गर्मी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, पानी का जल स्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, ऐसे मौकों पर ऐसी घटनाओं का सामने आना एक बड़ा सवाल। और हाँ, सरकारी योजना में लापरवाही कोई पहली मर्तबा नहीं है, और अक्सर ही सरकारी योजनाओं में लूट खसोट धांधली की खबरें आती रहती है, लेकिन सुशासन बाबू हैं कि उन्हें बैठकों से ही फुर्सत नहीं मिलती, वैसे मामलों पर गौर कहां से करेंगे। सवाल पूछो तो साहब भड़क जाएंगे, और जब इनके अधिकारियों से पूछो तो उनका वही रटा रटा जवाब, कार्रवाई जारी है, मामले में जुट गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। आखिर कब तक सरकार अपनी गलतियों पर पर्दा डालती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सूबे भर में हृदय में छेद से ग्रसित बच्चों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। योजना के शुरुआत में सीएम ने 21 बच्चों के इलाज के लिए अहमदाबाद उन्हें भेजा। अहमदाबाद जा रहे बच्चों के परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता शशांक ने देखी खास रिपोर्ट। 1 अप्रैल से इस काम को पूरा सार निकल गया था, पहले ही पूरी जांच हुई। राजेश यार देखे ना, सार नहीं निकला, नहीं निकला। यहाँ पर बिहार के देखे ना, अरे लगे दवाई। IGIC है और IGIMS है, ये दोनों जगह पर ये इंतजाम किया गया है जांच का, और इलाज के लिए भी आगे इसके लिए जो भी तैयारी है वो की गई है, की जा रही है। और जो एक एग्रीमेंट हुआ हम लोगों का गुजरात में, एक जो अहमदाबाद के पास एक प्राइवेट अस्पताल है, तो उनके साथ बातचीत हो, ये मालूम हुआ कि उस अस्पताल के द्वारा देश के अनेक राज्यों के इस प्रकार के बच्चे बच्चियों मुफ्त में इलाज करते हैं।
तो उनके साथ हम लोगों की भी बातचीत हुई और यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ, उन लोगों ने इसको स्वीकार किया और आज उसी के बाद उन लोगों ने चिकित्सकों को और लोगों को भी भेजा। वो यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में बच्चे और बच्चियों का टेस्ट भी किया गया दोनों में, IGIC में, IGIMS में, और टेस्ट करने के बाद जो तय हुआ कि ऐसे लोग पीड़ित हैं इनको इलाज के लिए भेजा जाएगा तो उसकी शुरुआत कर दी गई है। आज वैसा बताया गया कि आज 21 लोगों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है और सरकार ने ये तय किया कि मुफ्त में इलाज, वहाँ अस्पताल में तो इलाज करेंगे मुफ्त में, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं उनके इलाज के लिए यहाँ भी जो इलाज किया जाएगा मुफ्त में होगा। और अगर हम लोग बाहर भेज रहे हैं तो उनको भेजने का खर्चा, सिर्फ पेशेंट तो नहीं जाएगा, बच्चे हैं या बच्ची उनके अभिभावक कोई जाएंगे साथ में, तो उनके भेजने का लौटने का इंतजाम, वहाँ पर जो कुछ ज़रूरत है उसके लिए इंतजाम ये राज्य सरकार अपनी तरफ से भी देगी और वहाँ पर इलाज तो मुफ्त में होगा, तो पूरा सब इलाज करा करके लोग आएंगे। और जब आप भेजा जा रहा है तो पहली बार इलाज के बाद यहाँ पर लौटेंगे तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी और सब लोग अधिकारियों के साथ बैठ करके आप लोगों को बुला करके उन बच्चों से भी बात करवाएंगे ताकि इसके बाद कैसा अच्छा असर हुआ अभी हम सबको देखें, अभी हम सबको देखें, कोई कुछ एक आध तो बहुत कम उम्र का, कुछ की उम्र भी 4 साल 5 साल, एक आध 10 साल से भी ज़्यादा, तो इस तरह का भी देखा तो ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो बाल हृदय योजना है उसकी आज शुरुआत की जा रही है। पटना से तमाम लोग, तमाम 20 के करीब बच्चे जो इस वक्त बसों में बैठ गए हैं, ये यहाँ से सीएम नीतीश कुमार इसको हरी झंडी दिखाएंगे, बस के द्वारा इनको एयरपोर्ट पहुँचाया जाएगा और एयरपोर्ट से वो सीधा अहमदाबाद के लिए जाएंगे जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखिए इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री बिहार मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए। अब आपको दिखाने की बात करते हैं कि आखिर बस के अंदर किस तरह का हिसाब है, व्यवस्था है। ये देखिए बस खड़ी हुई है, ये बस जाएगी एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए। आइए दिखाते हैं, बस के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनके बच्चों के हार्ट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी और वो अहमदाबाद के लिए जा रहे हैं। बहुत महत्वाकांक्षी योजना और बहुत बड़ी योजना है, खास करके उन गरीबों के लिए जो कि पूरी तरह से इलाज कराने में सक्षम नहीं है और सरकार का ये सौगात मिली है। देखिए ये बस है और यहाँ से तमाम लोग अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। बताइए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। इसी बच्ची को? हाँ, इसी बच्ची को। ये सरकार कर रही है इसको? जी जी सर, पूरा सरकार खर्चा उठा रहे हैं टोटल सभी। कैसे जाएंगे यहाँ से? यहाँ से सर एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से हवाई जहाज से वहाँ जाएंगे अहमदाबाद। किसी डॉक्टर को दिखाया था? जी गांव में दिखाए थे, उसके बाद फिर सदर में दिखाए हम बेगूसराय में। लेकिन खर्च बहुत? हाँ खर्चा बहुत, दिल्ली भी गए थे एम्स भी लेकर के, तो फिर यहाँ आए तो हमारा बिहार सरकार सुविधा दे रहा तो फिर उधर नहीं गए। देखिए ये तमाम लोग हमें आपको दिखाने कर रहे हैं कि देखिए एक छोटी बच्ची है ये भी इलाज के लिए जा रही है और इनसे भी बात करते हैं। बताइए कहाँ आप लोग जा रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था? अहमदाबाद गुजरात जा रहे हैं और अभी तक यहाँ तक जानकारी है, अच्छा सुविधा है। हाँ इसी बच्ची तो कि जो लोग हैं बहुत सारे बस में लोग हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 20 लोग ऐसे हैं जो अहमदाबाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री की जो योजना है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बिहार में बाल हृदय योजना, उस बाल हृदय योजना के तहत ये तमाम लोग बच्चे 20 के करीब बच्चे पहली खेप इसको कह सकते हैं जिनको ज़रूरत थी, ये लोग यहाँ से बस को सीएम कुछ देर बाद हरी झंडी देकर इनॉग्रेट करेंगे। ये बस सीधा एयरपोर्ट जाएगी और एयरपोर्ट से ये लोग अच्छे बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद जाएंगे। VIP न्यूज़ आशा करती है, VIP न्यूज़ कि ये तमाम बच्चे अहमदाबाद से स्वस्थ होकर लौटें। पटना से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं सशा। जमुई की भाजपा विधायक श्रेष्ठ सिंह ISSF के वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने क्षेत्र पहुंची। जमुई परिसदन में मीडिया से बातचीत में श्रेष्ठ सिंह ने राज्य में खेल के मौजूदा हालात, अपने क्षेत्र में विकास कार्यों और बंगाल में हो रहे चुनावों में भाजपा की जीत को लेकर बातचीत की। देखिए हमने चुनाव के दौरान भी बोला था, पहले भी बोलते आ रहे हैं और आज भी बोलते हैं कि बिहार में और खास तौर से जमुई में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक सही प्लेटफॉर्म देना, एक सही मंच देना जिससे कि प्रतिभाशाली बच्चे निकल के सामने आ सके, अपना खेल कूद में प्रदर्शन दिखा सके
और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का भारत का प्रतिनिधित्व कर सके, इसकी बेहद आवश्यकता है। औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र में जमीन के मामूली विवाद से विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। झड़प में दो महिलाएं समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को बेहतर इलाज के लिए उन्हें औरंगाबाद रेफर किया गया। तो वहीं इस हिंसक झड़प में घायल हुए युवक मनोज ने अपने ही गांव के 4 लोगों पर मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहां से रेफर कर दिया, पता चला 6-7 हुआ थी। जमीन विवादित भी है सर, सरपंच से 3 बार फैसला भी हुआ सर, जमीन द्वारा माफी कर करके इसके बाद भी एग्री नहीं उस पर हुआ सर। हम जो भी उन लोग निर्णय दिया हम उस पर एग्री भी नहीं सर। इसके बाद सर उन लोग आया गांव घर से लाठी लेकर के प्लास्टर में बम लगाया था सर। प्लास्टर करते वक्त में सर हम लोग कर घर पे आ करके वहाँ लाठी डंडा से इन लोग के हाथ बांध धर लिया सर और मारना स्टार्ट कर दिया सर हम लोग, और ऊपर से ईटा पत्थर से मार रहा था सर। हमसे घर ऊँचा करीब 2-3 फीट वहाँ से ईटा और पत्थर से सारी परिवार पर चलाया सर, जिसमें हम लोग 4 परिवार घायल हो चुके हैं सर। छपरा के मोढ़ारा प्रखंड में समीप बस्ती में अचानक आग लगने से घर में सो रहे एक बच्चे के साथ घर भी जल गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के साथ पहुंची और जानकारी के अनुसार बिजली के पोल से लटके तार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तार टूटकर नीचे गिर गया और फुसनुमा झोपड़ी पर जा गिरा, जिससे झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने के वक्त एक महिला अपनी बेटी सहित 4 बेटों के साथ घर में सो रही थी, जिसके बाद आग की लपटों को देखते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गुड़िया देवी अपनी बेटी मनीषा सहित 3 बच्चों के साथ किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकली, लेकिन एक बेटा आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। साथ ही मिर्जापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हर्षवर्धन दीक्षित ने सभी पीड़ित परिवारों को अपनी तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जिस तरीके से झोपड़ी में आग लगी और यहाँ पर सो रही महिला जो अपने बच्चों के साथ सो रही थी, यहाँ पर किसी तरह उसने अपने बच्चों को बचाया, लेकिन किस्मत महिला के साथ नहीं थी और एक बच्चा जो है झोपड़ी में ही छूट गया। और आप देख सकते हैं कि आग इस कदर लगी थी कि कुछ भी जो है वो नहीं बचा, केवल दिख रहा है तो चारों ओर वो है आग, राख और धुआं। और आपको बता दें कि इन्हीं आगों के लपटों में छोटा बच्चा समा गया, जिसने इस धुएं के साथ इन लपटों के साथ अपना दम तोड़ दिया। पटना सिटी क्षेत्र के अगम कुआं थाना अंतर्गत दाऊद बिघा इलाके में कूलर की फैक्ट्री में आग लग गई। आग की चपेट में आने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। तो वहीं सकरी गली होने के कारण फायर ब्रिगेड को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पता नहीं कौन आग लगा दिया था पीछे कचरा में। अच्छा, वही से लपट पकड़ लिया इधर पीछे में। क्या काम होता था यहाँ? इसमें कूलर हमारा था और मोटर पंप सब था, कूलर था हमारा, फैक्ट्री है, सब जल गया, सब जल गया, टोटल कुछ नहीं बचा, सामान गया, नुकसान हुआ बहुत तरह का है। बिहार को प्रदूषण रहित बनाने की दिशा में राज्य सरकार की पहल का विस्तार किया गया। राज्य में कई शहरों में BSRTC के द्वारा इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू किया गया। राज्य परिवहन निगम की ओर से मुजफ्फरपुर से दरभंगा एयरपोर्ट तक के लिए की गई है एक इलेक्ट्रिक बस परिचालन की शुरुआत। इस मौके पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और परिवहन विभाग के प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिला में अब तक 3 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। मीटर वाली की कीमत 1,41,00,000 पड़ता है सिर्फ एक बस का, और 9 मीटर वाली बस का पड़ता है 1,37,00,000 रुपया।
सात साल का हम लोगों ने एग्रीमेंट किया अशोक लैंड से और 25 इलेक्ट्रिक बसें बिहार में चलने लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 तारीख को इसका उद्घाटन किया जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी थी, सीएम साहब भी थे। देखिए यहाँ सुमन श्रीवास्तव हैं डीएस और आर एम है आशीष, इनका सार्वजनिक नंबर रहेगा, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो आप लोग इनसे ले सकते हैं। और हमने बैनर पे भी नंबर दिलवा दिया है, जो नंबर है बैनर जो बना है उस पर भी दिलवाया। अभी कितनी बसें खुली हैं और आगे की क्या योजना है? आज हम लोग 3 बस खुले हैं। आरटीसी के तत्वावधान में 2 इलेक्ट्रिक बसों को आज रवानगी की गई है। एक नई शुरुआत है, नई पहल है, न सिर्फ वातावरण के लिए, हरियाली के लिए, अभी तो देखिए ईंधन का जो उपयोग वो भी बचाना है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ मुजफ्फरपुर जिले से किया गया, जो काफ़ी हर्ष का विषय है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में अब इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो सरपट अब सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी, और इसी के साथ आपको बता दें कि अब जो वातावरण है वो भी अब दूषित नहीं होगा, कम दूषित होगा, और इलेक्ट्रिक वाहन के जरिए जो है ईंधन की खपत भी कम होगी, तो सीधे तौर पर पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। इसी के साथ साथ अगर पॉकेट फ्रेंडली बात की जाए तो सीधे तौर पर सरकार के लिए भी ये बसें कहीं ना कहीं पॉकेट फ्रेंडली जरूर साबित होंगी। तो आपको बता दें जिलाधिकारी भी इस वक्त मौजूद रहे जब बस की सेवाएं शुरू की गई और बस को तमाम अधिकारियों के सामने हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया गया। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बस के सेवा के शुभारंभ के मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य तरीके से इस बस को सजाया भी गया था। पटना सिटी के दीदारगंज थाना अंतर्गत फोरलेन NH30 के पास यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इधर दुर्घटना में बस सवार यात्री पलटी बस में फंसे रह गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती करवाया गया है। हालांकि दुर्घटना के बाद बस के चालक और खलासी दोनों फरार हो गए हैं। यात्रियों से भरी बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। घटना घटित की हमें पटना से सूचना मिला कि पटना से जो सोनामा से पटना के लिए गाड़ी आ रही थी बस, है ना, तो आपको सोनामा टू है ना और डेलेक्टिक से आज हम यहाँ पर देखते पूर्व चंपारण के घोड़ासहन ढाका के पोखर से पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर एक युवक का शव बरामद किया है। मृत युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं मामले को लेकर घोड़ासहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि हत्या, आत्महत्या सहित अन्य सभी बिंदुओं पर तहकीकात जारी है। शव के पास से कोई भी आईडी कार्ड नहीं मिला है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजधानी पटना के एक गेट टुगेदर सभागार में प्रभात वाणी वारिधि न्यास के द्वारा महाकवि केदारनाथ मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण द्वारा रचित विरह गीत मधुवाला का लोकार्पण किया गया। साथ ही कवि और समाज के विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। गुरुदेव श्रीमान डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि सर जो बीच में उपस्थित हैं, तो मेरा आज एक काफ़ी ही सुखद क्षण का महसूस हो रहा है कि एक समय में 1990 में इनके आशीर्वचनों के तहत UPSC मुख्य परीक्षा संस्कृत भाषा से दे रहा था, इनके आवाज़ पर मैं पढ़ा करता था। आज 30 वर्षों के अंतराल के बाद सर से आज जो मुलाकात हुई, तो आज एक अपने कर्मभूमि के क्षेत्र में जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा था आज उसके रूप में इनका आशीर्वचन रहा कि मैं मिला। इससे बढ़कर के मेरे जीवन में कोई सुख और हर्ष का विषय हो ही नहीं सकता है।
गुड फ्राइडे के मौके पर पटना के गिरजाघरों में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस कड़ी में विमेंस कॉलेज में भी विशेष पूजा और प्रार्थना सभा आयोजित की गई। क्रॉस के साथ कॉलेज के शिक्षिकाओं और लोगों ने धर्म यात्रा में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि गुड फ्राइडे के मौके पर यहां पर विशेष प्रार्थना का आयोजन जो है वो किया गया, और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से विशेष प्रार्थना का यहां पर आयोजन किया गया, किस तरीके से आज गुड फ्राइडे के दिन तमाम जो लोग क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं वो लोग मौजूद हुए। और आपको बता दें कि आज गिरजाघरों में अलग ही रौनक जो है गुड फ्राइडे के मौके पर देखने को मिली। और आपको बता दें कि यहां पर धर्म यात्रा भी जो है गिरजाघरों के द्वारा निकाली गई। इस धर्म यात्रा में तमाम लोग जो है वो शामिल हुए। जो लोग क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं वो लोग इस धर्म यात्रा में शामिल हुए, और आज के दिन उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की। और प्रभु से प्रार्थना कर इन सभी ने केवल इतना ही मांगा कि जिस तरीके से इस वक्त पूरे समाज में अशांति फैली हुई है, पूरे समाज में शांति फैले और पूरे विश्व को कोरोना से निजात मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।